रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी जीने का मजा भी आएगा। जी हाँ, कुछ इसी जज्बे और हौसले के साथ इन दिनों हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रही बेटियाँ खुद को साबित करने में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से महिला फायरमैन के पदों के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा जारी है। 15 मई से शुरू हुए शारीरिक भर्ती प्रक्रिया में लंबाई, वजन, बॉल थ्रो, लंबी कूद, शटल रेस, दौड़, स्किपिंग के टेस्ट पास करने के बाद लिखित परीक्षा में एंट्री मिलेगी। लेकिन फिजिकल टेस्ट के दौरान ज्यादातर अभ्यर्थी लंबी कूद और नापतोल में फेल होकर बाहर हो रही हैं। इन सब के बीच फिजिकल टेस्ट में सफल हुई बेटियों के चेहरे पर खुशी भी साफ देखने को मिल रही है। बता दें कि पुलिस भर्ती में लंबी कूद पास करने के लिए 8 फीट कूदना जरूरी है, तो वहीं बॉल थ्रो पास करने के लिए 16 मीटर बॉल फेंकना जरूरी है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इन्हीं दोनों टेस्ट में फेल हो रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों का वजन मुश्किल से 35 से 44 किलो तक ही पहुंच पा रहा है। पहाड़ी जिलों से आने वाली 152 सेमी और अनुसूचित कैटेगरी में 147 सेमी ऊंचाई मांगी गई है। कई अभ्यर्थियों का सपना वजन और ऊंचाई कम होने के कारण भी टूट रहा है। आयोग की तरफ से गठित बोर्ड में SSP पंकज भट्ट, SAP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र, CEO शांतनु पराशर, CEO विभा दीक्षित और CFO संजीवा कुमार अलग अलग राउंड की परीक्षा ले रहे हैं। CEO विभा दीक्षित ने बताया कि अंडर हाइट और अंडर वेट के साथ ही लॉन्ग जंप में ज्यादातर अभ्यर्थी असफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यास की कमी के चलते भी कई अभ्यर्थी टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में फिजिकल टेस्ट की बारीकियों को समझने और फिर से पूरी शिद्दत के साथ भर्ती में आना चाहिए। सर, भर्ती में तो हमारी 15 दिन पहले भी तैयारी थी, बीच में छूट गई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिर 15 दिन की तैयारी थी, फिर भी यहाँ पर हो ही गया था। ले बस एक लॉन्ग जंप में है जो प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा हो ही जा रहा है। मतलब प्रैक्टिस करने वालों के लिए तो ईजी है। सर, प्रैक्टिस तो सब में ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा बस लॉन्ग जंप में चाहिए। प्रैक्टिस तो सब में ही चाहिए, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। सर, खुशी तो बहुत हो रही है, सपना भी देखा ही था, पर यह है कि अब रिटर्न में भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमने फिजिकल में की थी। सर, मैं भीमतल से आई हूँ। वैसे मैंने पिछले साल से तैयारी की थी, लेकिन अभी जो हार्डली तैयारी है वो एक महीने से हो रही है। और हमें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसमें ही हो रही थी लॉन्ग जंप में, बट फिर भी यहाँ पे हमने अपना 100% दिया है। सर, मैं उनको बस ये बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिस तो करनी है, उसके बाद अपनी लॉन्ग जंप में सबसे बेटर करना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ना अपनी खुद से बहुत मेहनत की है, बट जब पुलिस का फॉर्म आया था उससे भी पहले से मेहनत की थी हमने, तो जो मेहनत करेगा तो सफल पाएगा ही। जिन्होंने मेहनत नहीं की तो वो मतलब मेरे उससे कहना है कि वो अभी 100 में से 100 लाए आने वाली जो पीढ़ी है। और बहुत अच्छा लगा, और मेरी ये कि सबसे कि सब 100 में से 100 मार्क्स लाए, और रिटर्न में भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। और मैंने कोचिंग लगाई है बट 3-4 महीनों से, अब और करूँगी कोचिंग। थैंक यू सो मच। जो हमारे साथ दो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक तो है कि अंडर हाइट और अंडर वेट हो रहे हैं लड़कियां, और दूसरा लॉन्ग जंप में क्वालिफाई सबसे ज़्यादा मतलब नहीं कर पा रही हैं, डिसक्वालीफाई सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो यही दो चीज़ें हैं, और इनमें जो बेसिक प्रॉब्लम है लॉन्ग जंप में वो ये है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार आपको उसकी टेक्निक नहीं पता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप एकदम से क्लियर कर लें। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम पहले उनको एक बार ब्रीफ ज़रूर करते हैं। पर फिर भी मैं जो भी अभ्यर्थी अब फर्दर आएंगे उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, समझ लें कि किस तरीके से आपको कूदना है, बॉडी को कैसे पुश करना है और किस तरीके से आपको रनिंग करनी है उसमें। बाकी वेट के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा अच्छे से अपना खाएं पिएं, अपनी खुराक को ज़्यादा बढ़ाएं, बनाना शेक पिएं, खूब अच्छे से अपना वेट जो है इंक्रीज़ करें। इसमें पेरेंट्स को भी उनका साथ देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं, भले ही वो पहाड़ी क्षेत्रों से हों। और बाकी उनके लिए जो हाइट में रिलैक्सेशन है वो एग्जिस्ट करता ही है, 147 का है उनके लिए, और बाकी सबके लिए 152 है। तो वहाँ पे इतना कोई इशू नहीं है।